हेलो फ्रेंड, लीजन ऑफ शियानो एपिसोड 39 एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। सो लास्ट एपिसोड में हेंगियो का झोंगशी और झेंगियांग का शियाओये का फाइट शुरू हो गया था, जहां पे फाइट के दौरान शियाओये अचानक इनविजिबल होने का पावर यूज करता है, जिसे झोंगशी काफी दिक्कत में आते हैं। बट सेम टाइम ये चैन व्हील आई के मदद से शियाओये का मूव कॉपी कर लेता है, बट मैदान में हेंगियो का झोंगशी हार जाते हैं, जिसके बाद एल्डर नेक्स्ट मैच अनाउंस करता है किंग यू सैक से झोउ आओ और हेंगियो से नाई फेंग का बीच। सैडली इस मैच में भी हेंगियो सैक का हार होता है, जो देख के ये चैन रिएक्ट करता है। ये स्प्रिट व्हील आइस तो ट्रेजर है, लेकिन हेंगियो सैक तो हारते जा रहे हैं, जिसके वजह से वो सैड भी होता है। तभी जूगे रिएक्ट करता है, हेंगियो सैक तो काफी अनलकी है। तभी बाइस चारों ओर मिस्टीरियस बॉडी का ही चर्चा चल दे जाते हैं। उतने में आसमान में एल्डर्स को देखने को मिलता है, जो मैच को देख रहा है, और तभी बुरा विल्डर कहता है आखिर यही है इस जनरेशन का स्प्रिट बॉडी होल्ड करने वाली। सो देखते हैं वो कितना टाइम तक टिक पाती है। जहाँ खूबसूरत एल्डर कहती है बैट लगाओ, यंग बिन उसके सामने एक राउंड भी नहीं टिक पाएगा, तभी दोनों में शर्त लग जाता है। देन नीचे बैटल शुरू होता है एंड दोनों म्यूजिकल आर्ट परफॉर्म करने लगता है, जो देख के ये चैन कहता है निंगशुआन तुम्हें म्यूजिकल आर्ट भी मालूम है। और तभी यंग बिन फास्ट अटैक रिलीज करते हैं, बट वो निंगशुआन के आगे कुछ नहीं, जैसे मक्खी हाथी को काटा हो। और तभी निंगशुआन अटैक रिलीज करते हैं, जिसे पूरा एरिना का लोग हिल जाते हैं, और उसे काउंटर करने के लिए ये चैन का ट्रू फायर खुद बाहर आ जाता है, और ऑब्वियसली वो जीत जाती है, जिसके साथ हेंगियो सैक का एक और हार ऐड हो जाते हैं। और उतने में दोनों एल्डर को आसमान में एक बार फिर से देखने को मिलता है, जहां बुराव हारने के बाद कहता है अरे वाह, आपका तो आईसाइट अभी भी बहुत तेज है। और वो खूबसूरत लेडी मन में सोचती है इस बॉडी में बहुत से राज मौजूद है, ये कोई हलवा या मजाक नहीं है, जो सुन के लगती है शी इज इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, इसे याद रखना। तभी झेंगियांग का लोग चिल्लाने लगते हैं आखिर निंगशुआन जीत गया, जो सुन के ये चैन का दिमाग फटने लगता है और वो गुस्सा होता है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो निंगशुआन को देख के कहता है अगर मेरा पाला उस मिस्टीरियस बॉडी के साथ पड़ा तो क्या मैं जीत जाऊंगा या नहीं, या फिर मैं जीतूंगा भी क्या। और उसके बाद आज के दिन का आखिरी फाइट अनाउंस होता है, जो कि वन सेकेंड हेंगियो सैक और झेंगियांग के बीच होता है, जहां हेंगियो से लियू यू को बुलाया जाता है और झेंगियांग से झोंग हुयान को। एंड उन्हें बुलाते ही हुयान एक धासु एंट्री लेता है और पहले ही लियू को बुरा भला कहता है लाइक वही ठहर जा, जिंदा रहना चाहेगा तो वगैरह वगैरह। उतने में बायो कहती है ब्रेथ में महक कुछ अजीब है, क्या इसका मतलब लियू जख्मी है। तभी उसे मैदान के ओर जाते हुए देखने को मिलता है, जहां ये जन उसे रोकने कहता है, बट ही सेज हेंगियो का डिसाइपल फाइट से कभी डरता नहीं, चाहे अंजाम क्या भी हो, और ये जन को चिंता करने से मना करता है और कह के कि उसके पास एक तरीका है उसे डील करने का। और तभी हुयान फिर से उसका मजाक बनाने लगता है, बट तभी लियू अटैक छोड़ देता है बहुत सारा शॉट एक साथ, एंड एक तगड़ा फाइट फिर से शुरू होता है, जहां हुयान लियू पर भारी पड़ता है और उसे मार के कहता है तू इस हाल में मुझसे फाइट करेगा। फिर हेंगियो सैक को निशाना बनाते हैं आज बुरे तरह हारने के लिए, जो सुन के लियू खुद के ब्लड से फॉरबिडन टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, जो देखकर हर कोई शॉक्ड होता है। तभी ये चैन कहता है सीनियर ब्रदर सैक के खातिर खुद के लाइफ को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि उसका कंडीशन वैसे ही ठीक नहीं है, ऊपर से वो फॉरबिडन टेक्निक परफॉर्म कर रहा है। और तभी हायुन भी कुछ परफॉर्म करने लगता है, जहां ये चैन वो देख के कहता है ये उसका टेक्निक भी फेमिलियर लग रहा है। तभी शूनर मास्टर आके कहती है दोनों सीक्रेट टेक्निक का ओरिजिन सेम ही है, इसीलिए फेमिलियर है, जिसे ताउजी टाउशिन ने डेवलप किया, जो एक एंसेस्टर था तीनों सैक का। और शूनर आगे कहती है उनके गुजरने के बाद उनके डिसाइपल अपने अपने तरीका से ये
टेक्निक सीखा एंड उसे ताइची के बारे में सब कुछ ये चैन को समझाता है। और तभी दोनों का ताइची प्रिपेयर होता है और एक अटैक के लिए बढ़ते हैं, और जहां स्ट्रॉन्ग कोलिजन देखने को मिलता है। जहां ये चैन मास्टर को कहता है अब क्या होगा, जहां वो कहती है जिसके पास जितना स्ट्रेंथ होगा उसका उतना फायदा होगा, और कहती है देखने में लग रहा है लिव ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगा बिकॉज वो पहले से ही इंजर्ड बंदा है। और उतने में हुयान पीछे जाके एक बहुत ही बड़ा पुश देता है जिसे लिव का हालत खराब होता है और वो नीचे गिर जाते हैं वो भी तेजी से। देन हुयान ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लिव के छाती पर पैर रखता है जहां उसका कंडीशन बहुत ही खराब होता है, इवन मुंह से खून भी निकल आते हैं। और हुयान छाती पर पैर रख के कहता है ये है असलियत हेंगियो का, सेकेंड ट्रू डिसाइपल का, जो देख के येचेन और बाकी डिसाइपल गुस्से में आता है और हुयान को मारने निकल पड़ते हैं। बट हेंगियो सीनियर सबको रोकते हैं और एल्डर को कहता है क्या हो रहा है, आप जल्दी कुछ अनाउंसमेंट दे दो। चाहे एल्डर भी जानबूझ के डिले कर रहे हैं ताकि सब देख पाए जंगयंग सेक का पास कितना पावर्स है। तभी सीनियर गुस्से में ऑरा रिलीज करता है जो देखकर एल्डर अनाउंस करता है हुयान इज द विनर, और तभी हुयान लिव को लात मार के वहां से बाहर करते हैं। बट उसका कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हेंगियो का अभी उससे पर्सनली दुश्मनी तो हो गया, स्पेशली ये चैन जो आप देख सकते हो, और वो धमकी भी देता है अगर हम दोनों का आमना सामना हो गया तो तू गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट डे एल्डर आके कहता है कल 24 डिसेबल पार्टिसिपेट किया लेकिन वहां से एडवांस सिर्फ 13 हो पाया, अभी ये चैन को मिला के टोटल 14 डिसेबल नंबर पूरा हो गया। सो अभी आज का टोकन सभी डिसेबल को उठाने कहता है और तभी ये चैन सामने आके लिव का हालत याद करता है जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो उसके बदले का सोच के वो कहता है हुयान तू बस मेरा ऑपोजिट में खड़ा हो जा। बट अनफॉर्चुनेटली उसे हुयान तो नहीं मिला लेकिन गायब होने वाला डिसाइपल जरूर मिला एंड दोनों का ही फाइट फर्स्ट फाइट होता है, जो देख के सभी कहता है ये चैन ये तो वीक बंदा है ये क्या ही कर लेगा। और तभी दोनों के बीच बहस हो के फाइट एक बार फिर से शुरू होता है जहाँ ये चैन अभी तक का सरास उस पे उतरने लगता है और आखिर में शिव ये एक खतरनाक अटैक प्रिपेयर करने लगता है ये चैन को टेक डाउन करने के लिए। ये चैन उसका ही पैंतरा अजमा के फ्लैश के माफिक पीछे आके उसे मजाक चखाते है। ये चैन के अटैक से शिव ये जमीन पे तेजी से मुंह के बल गिरने लगता है और जहाँ एक ब्लास्ट के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय।